दिल्ली के अलीपुर इलाके के यमुना घाट पर 4 श्रद्धालुओं की यमुना में डूबने से मौत हो गई। आपको बता दें कि ये चारों दिल्ली के निहाल विहार के रहने वाले हैं, जो कि यमुना में मूर्ति विसर्जन के लिए आए थे। ये चारों दिल्ली के निहाल विहार में रहते हैं। फिलहाल रेस्क्यू चल रहा है। फिलहाल अभी तक 2 शवों को बाहर निकाल लिया गया है और बाकी 2 शव को रेस्क्यू चल रहा है, जिनको पूरी कोशिश चल रही है। यहाँ पे दिल्ली पुलिस के आला अधिकारी व फायर की अन्य अधिकारी मौजूद है। और दिल्ली के अलीपुर इलाके के यमुना में 17 नंबर शेख पर मूर्ति विसर्जन के लिए 8 व्यक्तियों का ग्रुप गया था, जिसमें कि 2 लड़के और 2 लड़कियां मूर्ति विसर्जन के बाद यमुना में नहाने के लिए गए, जहां पर 8 फुट का गहरा गड्ढा था, जिसमें कि एक लड़की को बचाने के चक्कर में एक के बाद एक चारों यमुना में डूब गए। फिलहाल 2 लड़कों के शवों को बाहर निकाल लिया गया है और 2 लड़कियों के शव निकालने में प्रशासन जुटा है। फिलहाल अभी रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, इसमें कि अलीपुर थाना के SHO SDM देर रात से ही मौके पर है और अन्य प्रशासन साथ में है। फिलहाल अभी 2 शव को निकाला गया है और रेस्क्यू चल रहा है। यह चारों नागलोई के निहाल विहार इलाके के रहने वाले हैं, जो कि पिछले 4 साल से इस घाट पर मूर्ति विसर्जन के लिए आते थे और कल रात भी जब यह इस घाट पर आने लगे, इनको सिविल डिफेंस के गार्ड ने रोका था। उसके बाद इनको दिल्ली पुलिस के जवानों ने भी रोका था, लेकिन उनसे नजरें छुपाकर दूसरे रास्ते से इस घाट पर आ गए और हादसे का शिकार हो गया। क्या हुआ था, कितने बजे आए थे आप लोग यहाँ पर रात को? मैं नहीं आई थी, आदमी आए थे, मेरे बच्चे आए थे। अच्छा, क्या नाम है आपके बच्चे का? पिंकी नाम है। तो जब वहाँ से विसर्जन के लिए गए तो आपने बोला नहीं था कि यमुना पे जाना मना है, कहीं और जाना? अरे मैं तो कहीं आने के लिए मना करती कि कहीं नहीं जाना है। मेरे लड़की बोली कि मम्मी हम लोग गाड़ी से नहीं उतरेंगे, चल ही जाएंगे, आ जाएंगे। फिर मैं तो मना कर रही थी कि नहीं। क्या नाम है आप लड़की का, कितनी उम्र है? 20 साल का कल पूरा है। क्या नाम है? पिंकी। कल जन्मदिन था उनका? काले काल जो है ना, वहाँ से राइट होना है, राइट। 4 लोगों को रोका भी, इन्होंने बताया कि हम नहाने जा रहे हैं, इनके पास कोई मूर्ति वगैरह नहीं थी। फिर ये जब इस 17 नंबर सैंक पे आए, तब भी हमारे सिविल डिफेंस वॉलंटियर जो यहाँ लगे हुए थे 10 की संख्या में, जो कंटिन्यूस गश्त कर रहे थे एक सैंक से दूसरे सैंक में, उन्होंने भी इनको रोका, लेकिन ये किसी और रास्ते से अंदर आए और नहाने के लिए अंदर घुसे। मेरे पास कल करीब 8:30 बजे पहुँची शाम को, मैं करीब 7:30 बजे तक ऑफिस में ही था, ऑफिस और ग्राउंड में ही था। 8:30 बजे के करीब जब ऑफिस से मुझे कॉल मिली तो मैं वापस आया, तब तक 9:30 के आसपास बज चुके थे। और रात में भी हमने कोशिश की इनको निकालने की, हमने करीब 12:30 तक का ऑपरेशन चलाया। और फिर रात में चूँकि अंधेरा बहुत था और लाइट की कोई इमीडिएट अरेंजमेंट नहीं था यहाँ, तो रात में हमें रेस्क्यू ऑपरेशन और सर्च ऑपरेशन रोकना पड़ा। सुबह हमने करीब 6 बजे से फिर सर्च ऑपरेशन रिज्यूम किया और अभी तक 2 बॉडी मिल चुकी है जी। ये कहाँ से आया था परिवार से यहाँ पर बीच में? साइन बोर्ड कहीं लगाए हुए थे रोकने के लिए? सारे साइन बोर्ड लगे हुए हैं, बाकायदे बोर्ड लगे हुए हैं, बाकायदे सिविल डिफेंस वॉलंटियर और पुलिस गश्त पे थी, सिविल डिफेंस वॉलंटियर लोगों को रोक भी रही थी। और इसके साथ साथ हमने 2 जगह आइडल इमर्जन का अपने डिवीज़न में अरेंजमेंट भी कर रखा था, जहाँ करीब 200 से ज़्यादा मूर्तियाँ विसर्जित भी हो सकती हैं, हो गई हैं। चूँकि ये मेरे सब डिवीज़न के नहीं रहने वाले थे, तो हो सकता है कि उनको उस एरिया का एरिया की जानकारी ना रही हो जी जी। और ये नहाने के चक्कर में अंदर घुसे हैं, पिकनिक मनाने के स्टाइल में आए हुए थे मूर्ति विसर्जन के बाद, और अति उत्साह में अंदर घुस गए, इसलिए कटना।